न्यूज़पेपर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूटना जाए, इसलिए आपको सीधे लिए चलते हैं धन बाजार। बुधवार को शेयर बाजार में बीएसई सेंसेक्स 138 अंक चढ़कर 65,539 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 30 अंक चढ़कर 19,465 पर बंद हुई। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार बुधवार को सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 59,600 रुपए रहा। इससे पहले के कारोबार में इस येलो मेटल की कीमत प्रति 10 ग्राम 59,700 रुपए थी, वहीं चांदी में 200 रुपए का इजाफा हुआ, जिसके बाद 1 किलो चांदी की कीमत 73,100 रुपए रही। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कारीगरों के लिए विश्वकर्मा योजना की घोषणा की थी, तो अब कैबिनेट ने 13,000 करोड़ रुपए की विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दी है। बता दें कि बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्र कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया। इससे शिल्पकारों को 1 लाख रुपए तक का लोन 5% पर दिया जाएगा, साथ ही 30 लाख शिल्पकार परिवारों को लाभ पहुंचेगा। बुधवार को ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की इसी बैठक में एक और अहम फैसला लिया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के अनुसार पीएम ई बस सेवा को मंजूरी दे दी गई। उन्होंने कहा कि इस पर 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देश भर में लगभग 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। 57,613 करोड़ रुपए में से 20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी।